प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के ललितपुर पहुंची और खाद संकट की वजह से जान गंवाने वाले किसानों के परिवार वालों से मिली। कहा जा रहा है कि ललितपुर में पिछले एक हफ्ते में खाद की किल्लत की वजह से 4 किसानों की जान चली गई, जिसके बाद प्रियंका गांधी उन 4 किसानों के परिवार वालों से मिलने ललितपुर पहुंच गईं। वो उनके साथ काफी लंबे समय तक रहीं। उन्हें देखकर किसानों के परिवार वालों का दर्द छलक उठा। प्रियंका ने भी उन लोगों की बात ध्यान से सुनी। दीदी, ये लोग खेत ही में परे रहते, घरे भी नहीं आऊ, फिर भी फसल नहीं बचा दीदी, तो जब बहुत विकराल समस्या। मुलाकात के बाद बाहर आई प्रियंका ने आरोप लगाया कि खाद संकट की वजह काला बाजारी है। जो काला बाजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साठ गांठ कर रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में खाद पर सियासत शुरू हुई तो दूसरी ओर राज्य सरकार ने दावा किया कि कुछ दिनों में ये समस्या सुलझ जाएगी। 2-4-10 दिन के लिए थोड़ी क्राइसिस हुई थी, अब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने खाद की कमी को पूरा करने के लिए व्यवस्था कर ली है। यूपी के बुंदेलखंड इलाके में खाद संकट की वजह से किसानों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सौबात की एक बात यह कि डीएपी खाद की किल्लत यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा, एमपी और पंजाब में भी है, जहां किसान मरने मारने पर उतारू हैं। लेकिन यूपी के ललितपुर जिले में खाद के लिए लाइन में लगे 2 किसानों की हार्ट अटैक से मौत और 2 किसानों की आत्महत्या की खबर के बाद राजनीति गर्म थी, जिसे प्रियंका गांधी के ललितपुर दौरे से और हवा मिली, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाया और राजस्थान के किसानों की हालत पर जवाब मांगा।